2022 में अब्रॉड मार्केट में सेल्टॉस का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हुआ था, मगर इंडियन मार्केट में इसका सिर्फ लीक्स और रूमर्स की फ़ोटोज़ ही मिल रहे थे। मगर हमें जो है वो 2023 में अभी इसके कुछ लीक्स और फोटोज़ देखने को मिले हैं, जिसमें कि आपको 2023 फेसलिफ्टेड किया सेल्टॉस टेस्टिंग करते हुए स्पाई करी गई है। तो इसी के बारे में एक छोटी सी ब्रीफ आपको देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये सिंपली एक फेसलिफ्ट रहने वाला है, जिसमें कि आपको गाड़ी के डायमेंशंस में, गाड़ी के इंजन्स में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलने वाले। सिर्फ आपको कॉस्मेटिक अपग्रेड्स देखने को मिलने वाले हैं, या तो बोलूँ थोड़े से फीचर्स एक्स्ट्रा देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि आपको डिज़ाइन से बात करते हैं, चालू करते हैं, तो फ्रंट से आपको पूरी न्यू डिज़ाइन नहीं देखने को मिलने वाली, इसमें आपको सिमिलर सी ही लुक देखने को मिलने वाली है फ्रंट से, जिसमें कि आपको फ्रंट का बम्पर चेंज होता हुआ देखने को मिलने वाला है, हेडलाइट का थोड़ा सा पैटर्न चेंज है एंड दैट्स इट। साइड से आपको गाड़ी में इतना ज़्यादा कुछ चेंज नहीं देखने को मिलने वाला, सभी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाली है। सिर्फ हाँ, अलॉय व्हील्स का पैटर्न चेंज होने वाला है, इसमें आपको 17 इंचेस के ही देखने को मिलेंगे अलॉय व्हील्स, और कुछ स्पेशल एडिशन आता है तो इसमें आपको 18 इंचेस के भी देखने को मिल सकते हैं। इसमें आपको 4 डिस्क ब्रेक देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम रियर की बात करते हैं, तो रियर में आपको इसमें थोड़े से चेंजेस ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। इसमें रियर में आपको मेजोरिटी डिज़ाइन चेंज देखने को मिलेगा, इसमें आपको कनेक्टिंग टेल लाइट देखने को मिलने वाली है, जो कि किया और ह्यूंडई ने चला रखा है एक एजेंडा, जो कि कनेक्टिंग टेल लाइट अपनी सभी गाड़ियों में दे रहे हैं, तो इसमें भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलने वाली है। रियर बम्पर में आपको चेंजेस देखने को मिलने वाले है। तो ये था एक्सटीरियर का। तो इंटीरियर से हम अगर बात करते हैं, तो इंटीरियर में आपको सबसे मेजर चेंज देखने को मिलने वाला है, ये इसका इंटीरियर पूरा चेंज कराया है। इसका डैशबोर्ड जो है वो पूरा नया है, इसमें आपको 10.25 इंचेस की 2 स्क्रीन देखने को मिलने वाली है, जो कि कनेक्टेड रहेगी खुद में ही, एंड एक जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की रहेगी और एक जो है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम की रहेगी, एंड इसमें ही आपको पूरा डिजिटल कंसोल देखने को मिलने वाला है। किया सेल्टॉस का इंटीरियर पहले से ही प्लश था, और अब जो है वो और भी ज़्यादा प्लश हो चुका है। इसमें आपको ऑटो डिमिंग IRVM भी देखने को मिलने वाला है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स आपको इसमें डेफिनेटली देखने को मिलने ही वाले हैं, एंड इसमें HUD डिस्प्ले भी देखने को मिलने वाला है। ट्रांसमिशन टनल की आप तरफ देखोगे, तो इसमें आपको गियर स्टिक नहीं देखने को मिलेगी। ये चीज़ें आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी या नहीं, ये मुझे पता नहीं, मगर हाँ, मेजोरिटी जो है वो अगर आप ऑटोमेटिक किया सेल्टॉस लोगे फेसलिफ्टेड वाली, तो इसमें आपको ऐसा ही डायल देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप ड्राइव, पार्क, रिवर्स के मोड सिलेक्ट कर पाओगे, एंड बीच में जो है वो पार्क का बटन दबा के आपका हैंड ब्रेक एंगेज हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा स्मार्टली डन करा हुआ डिज़ाइन है, एंड इसके बाद जो है आपको इसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी देखने को मिलने वाली है डेफिनेटली। फीचर्स में अगर हम बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की, तो वही सेफ्टी फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं, जो कि करंट किया सेल्टॉस में देखने को मिलते हैं, मगर एक बड़ा चेंज देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि आपको ADAS सिस्टम देखने को मिलेगी किया सेल्टॉस में, जिसमें कि आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटोनॉमस ड्राइविंग के बहुत ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, और ये ADAS लेवल 2 रहेगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, इसमें सनरूफ पैनोरामिक आएगी या नहीं, ये इस पर बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है। मगर हम अगर हम रूमर्स और लीक्स की बात करें, तो ऐसा माना जा रहा है कि इसमें आपको वही सनरूफ देखने को मिलेगी जैसे करंट किया सेल्टॉस में आती है, क्योंकि ये क्रेटा की USP नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि सेम ही कंपनी है किया और ह्यूंडई, तो थोड़ा सा दोनों के सेल्स को मैनेज करने के लिए इसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स, इसमें थोड़े से कम फीचर्स, ऐसा करके ये गाड़ियाँ बेचते हैं। ये इनका स्मार्ट बिजनेस मूव है, बट देखते हैं कि इसमें सनरूफ कौन सा आता है, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। रियर में भी स्पेस आपको उतना ही देखने को मिलने वाला है, जितना कि करंट किया सेल्टॉस में देखने को मिलता है। अगर हम इसके इंजन की बात करते हैं, तो इसमें आपको 3 मोस्ट प्रोबेबली इंजन देखने को मिलने वाले हैं। एक 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, दूसरा 1.5 लीटर का डीजल इंजन, एंड तीसरा जो है वो 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। तो यही सेम इंजन अभी भी आता है किया सेल्टॉस में, तो यही कैरी फॉरवर्ड कर जाएंगे फेसलिफ्ट वर्जन में भी। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं, तो करंट किया सेल्टॉस से 50,000 से लेके 1.50 लाख रुपीस तक ये गाड़ी का प्राइस हाइक रहने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस स्पेसिफिक वेरियंट। तो इसमें आपको इसकी प्राइस हाइक जो है वो देखने को मिलने वाली है। अगर हम इसके लॉन्च डेट की बात करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्रेटा के फेसलिफ्ट वर्जन के पहले ही लॉन्च हो जाएगी, या फिर उसके बाद भी हो सकती है, बट कह नहीं सकते। 2023 के एंड तक आपको इसकी जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन पक्की मिल जाएगी, या फिर 2023 के एंड तक आपको ये मार्केट में देख भी जा सकती है, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। तो वीडियो कैसी लगी, और ये किया सेल्टॉस का फेसलिफ्ट वर्जन कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।